हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब जंक्शन पावर्ड बाय गेट एकेडमी। दिस इज रंजन और आज जिस वैकेंसी की हम बात करने जा रहे हैं दैट हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम SSC MTS। SSC MTS ने वैकेंसीज रिलीज की हुई हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3600 पोस्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किए गए इनके द्वारा और इसमें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो एलिजिबल बनती है और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो केवल मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है। तो आइए इस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की पूरी डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो ये जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई हुई है SSC की तरफ से, इसमें एप्लीकेशन जो है वो 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक अलाउड है। मतलब फॉर्म आप 22nd ऑफ मार्च से लेके 30th ऑफ अप्रैल तक फिलअप कर सकते हैं। वहीं SSC MTS की तरफ से ये हवलदार पोस्ट के लिए भी ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि CBIC और CBN में 3603 सीट्स जो है वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और अगर आप बात करें शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस की, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस की अगर बात करें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2022 के आसपास शेड्यूल किया जा सकता है इनके द्वारा, जो कि टेंटेटिव डेट है। तो डिटेल में बात करते हैं अबाउट SSC MTS वैकेंसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि SSC MTS की जो ये वैकेंसी है इसका फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल की ड्यूरेशन यहाँ पर दी हुई है इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए। वैकेंसीज जो है हवलदार पोस्ट CBIC और CBN में 3603 वैकेंसीज जो है वो आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ कि शेड्यूल भी यहाँ पर रिलीज किया जा चुका है फॉर CB एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि इनका पेपर वन होता है। अप्रॉक्सीमेटली जो टेंटेटिव शेड्यूल है दैट इज फॉर जुलाई 2022, जुलाई में एक्सपेक्टेड है इसके एग्जामिनेशन की बात। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 27 साल की एज लिमिट जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर किया हुआ होना जरूरी होता है। और फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है, दैट इज www.ssc.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहां पर फॉर्म प्रॉपरली फिलअप कर पाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन जो है आपका दो पार्ट्स में कंडक्ट होता है। फर्स्ट इज पेपर वन एंड द सेकंड वन इज पेपर टू। पेपर वन जो होता है CBT एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है यहां पर, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है उसके बाद आपका PET भी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर मैंडेटरी है, मेंशनड है। और हवलदार पोस्ट जो है उसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि पेपर टू जो है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। आगे और अगर इसकी डिटेल की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपका पेपर वन है, जो जुलाई में शेड्यूल्ड हो सकता है, उसकी अगर मैं डिटेल आपको बताऊँ तो जनरल इंग्लिश जो है इसके एग्जामिनेशन पैटर्न में, सबसे पहले जनरल इंग्लिश जो है 25 मार्क्स, एक एक मार्क्स हर क्वेश्चन में असाइंड है, यानी कि 25 क्वेश्चन वहां पर अवेलेबल होंगे आपके लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो एक्जैक्टली सेम 25 क्वेश्चंस यहां पर भी एप्लीकेबल होते हैं, हैविंग 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चंस यहां पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी आपको देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन जो है हैविंग 25 मार्क्स अवेलेबल हो जाते हैं। इस पूरे पेपर के लिए आपको मिलते हैं टोटल 90 मिनट्स। 90 मिनट का समय यहाँ पर असाइन किया गया है इस पूरे चारों पार्ट को सॉल्व करने के लिए। पेपर वन पूरी तरह से आपका MCQ पेपर रहेगा, इंग्लिश और हिंदी डुअल लैंग्वेज में आपको ये पेपर अवेलेबल हो जाता है, बोथ द लैंग्वेजेस में। और खास बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, यानी कि 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल हो जाता है। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको एक मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सब कुछ आपका पेपर वन में एप्लीकेबल है। और पेपर टू जो है वो आपके लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, डिटेल में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीज़ें आपको लिखनी होती है। साथ ही यहाँ पे ये भी मेंशनड है कि आपको जो कंप्लीट एक शॉर्ट एसे या शॉर्ट लेटर जो है वो भी उसमें लिखा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो हो सकता है, मिनिमम जो यहाँ पर अलाउ किया गया है पेपर वन के लिए, तो अनरिजर्व के लिए दिस कट ऑफ इज अप्रॉक्सीमेटली 30% जो है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। वहीं OBC EWS के लिए 25 है और दूसरे जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 20% की कट ऑफ क्राइटेरिया अवेलेबल है। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आप जो कट ऑफ है उसको क्लियर समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है लास्ट डेट 30 अप्रैल से पहले फॉर्म जो है फिलअप करना है। और SSC.NIC.IN इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ये फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। और जनरल कैटेगरी की अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो केवल 100 रुपीज का फॉर्म जो है, 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाती है। तो ये थे पूरे के पूरे डिटेल इस जॉब की वैकेंसी के रिगार्डिंग, और इसकी PDF भी आपको कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी।
तो बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही और जॉब डिटेल्स आपके साथ इस चैनल पर शेयर होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।